तो हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत सबनानी, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टॉप 5 गिम्बल्स जो कि आप अंडर बजट खरीद सकते हो अगर आप एक नया गिम्बल खरीदने का प्लान कर रहे हो। तो ये वीडियो मेरे को काफ़ी दिनों से लोग पूछ रहे थे यार कौन सा गिम्बल खरीदा जाए, बड़े कैमराज अगर हमारे पास हो इस टाइप के सिनेमा कैमराज, या हमारे पास छोटे मिररलेस कैमराज हो तो उनके लिए कौन सा गिम्बल हम लोग खरीद सकते हैं अंडर बजट के अंदर। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में, डोंट वरी। आपको मेरे थ्रू जितनी भी रिसर्च हुई है, इवन जो मैं खुद गिम्बल प्लान कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मैं खरीदने वाला हूँ। मेरे पास अभी ऑलरेडी एक गिम्बल है पिक्सला का, बट अभी मैं चेंज करने वाला हूँ उसको, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, क्योंकि आजकल के गिम्बल में नए गिम्बल्स में जो आ गई हैं तो वो मुझे इंपॉर्टेंट है नए गिम्बल में, दैट्स व्हाई अपडेट करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। अगर आप आए फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे, दैट वुड बी रियली अप्रिशिएट कि आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ साथ में आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर वी स्टार्ट गाइस, जितने भी गिम्बल्स मैं बता रहा हूँ उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इफ यू वांट टू बाय चेक आउट दैट डिस्क्रिप्शन लिंक। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ पे मैंने गिम्बल्स की लिस्ट बना रखी है, आई कैन शो दैट गिम्बल एज वेल। सो यहाँ पे यू कैन सी सबसे पहला गिम्बल है दैट इज़ मोजा एयरक्रॉस 2। ये मैं खुद खरीदने वाला हूँ बाय द वे गाइस, और इट विल कॉस्ट यू सम अराउंड 32 से 35,000 के बीच में मार्केट में जो आप लोगे। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक गिम्बल है, और जो इसका वाइट कलर है वो बहुत ही क्लासिक लगता है। इस गिम्बल में आपको एक LED डिस्प्ले यहाँ पे मिलेगी, यू कैन कंट्रोल योर कैमरा वाया दिस ऑल जॉयस्टिक्स एंड ऑल दिस स्टफ जो भी यहाँ पे अवेलेबल है। इस गिम्बल की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, और जो इसकी पेलोड कैपेसिटी है वो 3.2 kg की है, अंडर 1 kg का इसका जो वेट है गिम्बल का। तो लाइट वेट गिम्बल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे पहले मैंने रॉनिन S यूज़ किया है, और बाय गॉड गाइस वो बहुत ही हैवी गिम्बल है, उसको यूज़ करने में ना फट जाती है, सच्ची बता रहा हूँ। आप मतलब कंटिन्यूसली वीडियो से नहीं कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट है। दैट्स वाई लाइट वेट गिम्बल होना ज़रूरी है, और उसकी पेलोड कैपेसिटी अच्छी होना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई रियली इंप्रेस, क्योंकि इस गिम्बल में 3.2 kg का पेलोड कैपेसिटी मिल रहा है। गिम्बल बहुत ही लाइट वेट गिम्बल है, एंड येस इट हैज़ ऑल द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। इसकी बैटरी आप USB से चार्ज कर सकते हो, ट्रैकिंग दी हुई है, 3.0 वाला मोड है, डच एंगल है अगर आपको 360 डिग्री मोड पर शूट करना हो, ठीक है। ओवरऑल मोटर को आप मोबाइल फ़ोन से इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो पूरे के पूरे गिम्बल को, दैट इज़ ऑल्सो मोशन ट्रैकिंग अवेलेबल, एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग ऑप्शन अवेलेबल है टू शूटिंग हाइपर लैप्स, एडवांस मोशन पैनोरामा, मोशन कंट्रोल, टाइम लैप्स, ये सारा ऑप्शन आपको बिल्ट इन इसमें मिल जाते हैं। व्हील एक साथ में आपको फोकस पुलिंग के लिए मिलेगा, सो अगर आपने मोटर कनेक्ट करी है तो आप फोकस पुल भी यहाँ से कर पाओगे, इवन इस व्हील से सेटिंग्स भी मैनेज हो जाती हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कूल थिंग। लॉक का ऑप्शन भी है, यू कैन ऑल्सो लॉक दी एक्सेस, दैट इज़ ऑल्सो रियली कूल थिंग अगर आपको एक्सेस लॉक करने हैं। एंड सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड गिम्बल, एंड इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि इसमें आप इसको वर्टिकल मोड पे भी यूज़ कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू शूट वर्टिकल वीडियोस। आजकल जो ट्रेंड है बेसिकली वर्टिकल वीडियोस का, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू इट। सो ये भी इस वजह से मैं रेकमेंड करूँगा, और अंडर 35,000 के बीच में बहुत अच्छा गिम्बल है। नाउ उससे कम प्राइस रेंज में अगर आपको जाना है तो रॉनिन एस सी भी इट्स अ ग्रेट चॉइस फॉर गिम्बल्स, वीडियो शूटिंग गिम्बल्स, और ये अराउंड 25,000 के बीच में मार्केट में पड़ेगा। इसकी पेलोड कैपेसिटी लेस देन 2.0 kg है, तो आप मिररलेस कैमराज विद अ वेरी लाइटफुल लाइट लेंस आप यूज़ कर सकते हो। लाइट अगर आपका 50mm या 85mm या 35 या 24 या 20mm का लेंस है, तो ऑब्वियसली आप इस पर कनेक्ट करके एंड यू कैन यूज़ इट विथ योर मिररलेस कैमरा। इस पर ये देख रहे हैं आप सारे कैमराज सपोर्ट करते हैं विथ लाइट वेट लेंस, बट प्रॉब्लम ये है कि लेस देन 2.0 kg के कैमरा को ही सपोर्ट करेगा, एंड इट्स अ वेरी लाइट वेट गिम्बल अगेन, इट्स ओनली 1.1 kg का है, बैटरी लाइफ 11 घंटे चलेगी, एंड ऑल दी जो DJI-S में आपको मिलता था ना वो सारा कंट्रोलर बेस यहाँ पे अवेलेबल है, तो इट्स अ गुड वन टू इन्वेस्ट राइट। अदर फीचर्स लाइक इट, यू कैन कनेक्ट योर मोबाइल फ़ोन टू ट्रैक योर सब्जेक्ट, तो स्मार्टफोन से कनेक्ट करके आप ट्रैकिंग फीचर को यूज़ कर सकते हो, एंड इसके अलावा इसमें 360 डिग्री मोड एंड ऑल एक्सेस मोड इसमें अवेलेबल है। मोबाइल फ़ोन से ये सारा का सारा कैलिब्रेट होता है, देखिए ये सारे ऑप्शन आपको मोबाइल फ़ोन के थ्रू मिल जाएंगे, ट्रैकिंग, पैनोरामा, टाइम लैप्स एंड मोशन कंट्रोल, वो सब कुछ इसमें मिल जाता है। देखो ये एक्टिव ट्रैक 3.0 है, तो आपको मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करना पड़ेगा एंड देन यू कैन ट्रैक योर सब्जेक्ट। तो ये कूल, बहुत ही कूल फीचर है, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा फीचर ये। फोकस थ्रू मोबाइल, सो मोबाइल से भी यू कैन कंट्रोल एंटायर वेल एक्सेस, सपोज करो आपका फोकस पुलर साथ में है, वो फोकस पुलर ही सारे मोशन को कंट्रोल कर रहा है, तो थ्रू मोबाइल फ़ोन आप गिम्बल के एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये DJI के कुछ स्पेसिफिक बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो मुझे पर्सनली पसंद है, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेसराइज इट अगर आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर, फोकस पुलर और मोटर कनेक्ट करनी है, तो वो भी एक्सेसराइज हो सकती है, एंड वर्टिकल मोड का ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल है बाय द वे गाइस, तो येस यू कैन यूज़ इट वर्टिकल मोड एज वेल। तो ये गिम्बल अच्छा है इन दिस प्राइस पॉइंट, आई कैन हाईली रेकमेंड दिस गिम्बल एज वेल।
नॉट टॉकिंग अबाउट थर्ड गिम्बल जो मुझे पसंद है, दैट इज़ जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है गिम्बल DJI RS 2. बहुत ही अमेजिंग गिम्बल है, मैंने पर्सनली इसे टेस्ट किया है. उस पर बिल्ट इन डिस्प्ले, उसपे सब कुछ दिया हुआ है. बहुत ही लाइट वेट गिम्बल है बिकॉज इट्स मेड फॉर कार्बन फाइबर. सो इसका जो पे लोड कैपेसिटी दैट इज़ 4.5 kg तक की, यू नो, गिम्बल कैमराज को होल्ड कर सकता है. तो यस, ये इस टाइप के बड़े हैवी ड्यूटी कैमराज लाइक FS5 Mark 2 और FX6 और FX9 और 1DX Mark 2 और सिनेमा लेंसेज के साथ में यू कैन, यू नो, ईजिली होल्ड इट ऑन योर हैंड. और जो इट सेल्फ गिम्बल का वेट है वो लेस देन 1 kg के बीच में है. तो गिम्बल बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, उसके बाद आप इतना हैवी ड्यूटी, यू नो, प्लेसमेंट करना, दैट इज़ ऑल्सो रियली कूल थिंग. एंड देन टच स्क्रीन है और यू कैन ऑल्सो कंट्रोल इट मैनुअल मोड. और एक और ये पीछे की तरफ उसमें व्हील बेस दिया है, दैट इज़ ऑल्सो कूल थिंग. एंड टच स्क्रीन है और इस पर जो छोटे से डिस्प्ले है उस पर आप, यू नो, ट्रैकिंग फीचर को ऑन कर सकते हो. लैग वैग कुछ नहीं आता है, बहुत मिनिमल लैग होता है. एंड देन इसके अंदर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज़ कि ये नीचे की तरफ फोल्ड हो जाता है. एंड दैट समथिंग विच आई रियली लाइक इन दिस गिम्बल. लेट मी शो यू. वर्टिकल मोड का ऑप्शन भी अवेलेबल, तो इफ़ यू वॉन्ट टू शूट वर्टिकल वीडियो, दैट वुड बी देयर. वो एक कॉमन फीचर हो गया नाउ. हाँ, मोबाइल फ़ोन से यू कैन ट्रैक अगेन, यू कैन यूज़ गिम्बल थ्रू मोबाइल फ़ोन. एंड देन इसमें बिल्ट इन ही HDMI अडेप्टर आता है, सो थ्रू कंट्रोल यू कैन, यू नो, ट्रांसफर योर कैमरा फिट टू योर मोबाइल फ़ोन विदाउट एनी लैग. बैटरी बढ़िया चलेगी इसकी 11-12 घंटे, तो उसकी चिंता है नहीं. एंड देन ये अदर फंक्शंस लाइक पैनोमा एंड पैनोमा टाइम लैप्स एंड ट्रैक, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं. काफ़ी अच्छे बैग में आपको मिलेगा. एंड लेट मी चेक, इसमें एक मोड है, आई डोंट नो वो इसमें पिक्चर में अवेलेबल नहीं है, बट ये एक तरीके से फोल्ड होकर के एंड यू कैन यूज़ इट ऑन लोअर एंगल्स. वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे पर्सनली लगा था इस गिम्बल का. तो दैट इज़ एक वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस गिम्बल. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास Zhiyun Creen 3 Lab है. एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड गिम्बल नाउ, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड है, बट एक्चुअली बहुत अच्छा गिम्बल है. बट इट्स वेरी हैवी. इस पर आप अगेन हैवी ड्यूटी कैमराज यूज़ कर पाओगे लाइक दिस जो मेरे पास में हैं बड़े कैमराज, और यू वॉन्ट टू यूज़ हैवी लेंसेज तो वो इस पर माउंट हो जाते हैं. एक और पीछे की तरफ एक्स्ट्रा हैंडल दिया हुआ है टू होल्ड योर कम्फर्टेबली टू योर गिम्बल. तो ये एक और अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर. एंड इसमें ही HDMI ट्रांसमीटर दिया हुआ है, तो इट विल डायरेक्टली ट्रांसमिट योर फीड टू योर कैमरा, टू योर मोबाइल फ़ोन. एंड देन येस, काफ़ी पावरफुल गिम्बल है. ऑब्वियसली इसमें सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं मोबाइल फ़ोन से. कंट्रोलेबल है एज इट्स मैंशन, बट ये हैवी है. इसका वेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बिकॉज आई इवन डोंट नो द वेट ऑफ दिस गिम्बल. इसका जो वेट होगा वो लमसम 2 kg के बीच में होगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी यूज इट और काफ़ी हैवी गिम्बल है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक DJI Ronin जो मैंने पहले चलाया, Ronin S, तो काफ़ी हैवी रहेगा. बट एक और सबसे अच्छा एडवांटेज है कि यू कैन मेक योर मोबाइल फ़ोन एज एन मोनिटर. सो बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसमीटर HDMI ट्रांसफीर, इट ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट योर कैमरा फीड टू योर मोबाइल फ़ोन. तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफ दिस गिम्बल का. दैट्स वाई इट्स ऑल्सो रियली एक्सपेंसिव, ये क्योंकि ये ट्रांसमीटर, यू नो, साथ में बिल्ट इन आता है इसके अंदर. ये वाला ट्रांसमीटर, वायरलेस ट्रांसमीटर साथ में आता है. सो ये गिम्बल ऑल्सो रिकमेंडेबल है. बट इन्होंने ऑल्सो नया गिम्बल लॉन्च किया, दैट इज़ Creen 3S, और ये एक बहुत ही कमाल का गिम्बल है, बट महंगा ऑल्सो है. और ये बना है बड़े सिनेमा कैमराज को होल्ड करने के लिए, लाइक FX9 जो FS6 से ऊपर वाला कैमरा आता है, इसको भी लगा लेंगे बाय द वे, 1DX रेड, और ये बड़े टाइप के कैमराज को, यू नो, होल्ड ऑन कर सकता है. तो इफ़ यू हैव अ लार्जर प्रोडक्शन एंड यू वॉन्ट अ सिंगल कैमरा जिसमें आप गिम्बल पर यूज़ कर सको, तो यू कैन बाय दिस गिम्बल ऑल्सो. बट ये थोड़ा सा महंगा गिम्बल है. बट येस, इसकी पेलोड कैपेसिटी अप टू 7-8 kg की है, तो काफ़ी हैवी ड्यूटी कैमराज को ये होल्ड कर सकता है. तो दैट गिम्बल यू कैन ऑल्सो बाय. एंड अंडर बजट दे हैव ऑल्सो लॉन्च Creen 2S, और जो भी ये भी आप खरीद सकते हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर, यू नो, योर नॉर्मल मिररलेस कैमराज. और इसका पेलोड कैपेसिटी भी मोर देन 4.2 kg का है. इसका पेलोड कैपेसिटी भी 4 kg का है. सो आप इस पर, यू नो, देखो इस तरीके से पैनासोनिक और, यू नो, बहुत सारे कैमराज को, यू नो, होल्ड कर सकते हो. बड़े कैमराज को यू कैन ऑल्सो होल्ड विद हैवी लेंसेज. तो ये भी आप, यू नो, गिम्बल रिकमेंड कर सकते हो. इसमें भी वो सारे वर्टिकल मोड और वो सब कुछ आ जाते हैं, और यू कैन ऑल्सो अटैच योर मोबाइल फ़ोन, और वो सारे एक्टिव ट्रैकिंग और वो सारे फीचर्स जो हम लोगों को यूजली चाहिए होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. फोकस पुलिंग एंड ब्ला 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 शिट, वो सब मिल जाती है. बट इसमें एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ इसमें डिस्प्ले नहीं है. तो दैट्स वाई लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि यार Ronin SC की तरफ जाया जाए, बिकॉज में यहाँ पे डिस्प्ले मिसिंग है. केवल OLED मॉनिटर है छोटा सा, जिस पे आप सेटिंग मैनेज कर सकोगे. तो ये एक छोटी सी चीज़ मिसिंग है इस गिम्बल के अंदर. बाकी ओवरऑल इट्स अ गुड गिम्बल इफ़ यू वांट टू शूट अ गुड हाइब्रिड वीडियोस. सो दैट्स इट. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. इन पाँचों और छहों में से एक गिम्बल आप ले सकते हो. एक एक्स्ट्रा मैंने बेसिकली गिम्बल बताया बिकॉज Creen 3 Lab मेरे को दिखाना था, क्योंकि पुराना है बट अच्छा गिम्बल है. और अगर सेकंड हैंड में भी मिल जाए तो आप खरीद सकते हो गिम्बल वाला. एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को. इन गिम्बल्स के
लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में, तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून एंड स्टे रॉक।